चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो हरियाणा में पटवारियों की मांगों पर मंथन होगा। 2 फरवरी को रेवेन्यू विभाग के साथ बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होंगे पटवारी एसोसिएशन के पदाधिकारी। 29 जनवरी को हुई बैठक बेनतीजा रही थी। अब हरियाणा में 3 जनवरी से हड़ताल पर है पटवारी। आपको बता दें कि कई काम प्रभावित हो रहे हैं। लगभग महीने भर का वक्त बीत गया है, पटवारी हड़ताल पर ही है और ऐसे में आम लोगों को दिक्कत हो रही है। इससे पहले बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। सरकार ने 29 तारीख को बुलाया था पटवारियों को बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पटवारी का ये कहना है कि जो बढ़ा हुआ वेतनमान है उतना ही वेतन उन्हें दिया जाए। दरअसल पटवारियों के वेतनमान को बढ़ा दिया गया है लेकिन उतना वेतनमान उन्हें मिल नहीं रहा है, तो उसकी डिमांड पटवारियों की तरफ से की जा रही है। अब 29 जनवरी को बैठक जो हुई थी वो बेनतीजा रही। हरियाणा में पटवारियों की मांगों पर दोबारा से मंथन होगा। 2 फरवरी को रेवेन्यू विभाग के साथ बैठक होगी। हालांकि पटवारियों ने हड़ताल को 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। बैठक में शामिल होंगे पटवारी एसोसिएशन के पदाधिकारी। 29 जनवरी को बुलाया गया था सरकार की तरफ से, बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही थी। हरियाणा में 3 जनवरी से हड़ताल पर है पटवारी। ऐसे में आम लोगों को काफी समस्या हो रही है, कई तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। तो अब हड़ताल जो है वो कंटिन्यू चल रही है। 31 तारीख तक हड़ताल पटवारियों ने बढ़ा भी दी है। अब ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख को जो बैठक बेनतीजा रही लेकिन 2 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में पटवारियों की मांगों पर मंथन होगा। 2 फरवरी को रेवेन्यू विभाग के साथ बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होंगे पटवारी एसोसिएशन के पदाधिकारी। 29 जनवरी को बैठक बेनतीजा रही थी। हरियाणा में 3 जनवरी से हड़ताल पर है पटवारी और इस हड़ताल को पटवारियों ने 31 तारीख तक के लिए बढ़ा भी दिया है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से जानकारी के लिए। गुलशन, एक तरह से देखा जाए तो महीने भर होने को है, पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब आगे भी बैठक होगी ऐसा कहा जा रहा है या दोबारा से इनकी मांगों पर मंथन होगा, पूरी जानकारी? दोबारा से बैठक होनी है और क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होनी है, जिसमें हालांकि अभी आपने देखा कि जो पटवारियों की कल ही जो है ये बैठक हुई थी, लेकिन जिसमें वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी के साथ ये बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। और अब फिर दोबारा 2 फरवरी को रेवेन्यू विभाग के सेक्रेटरी हैं एस नारायण के साथ ये बैठक होनी है, जिसमें पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी। लगातार पटवारी 3 जनवरी से धरने पर बैठे हैं और अब इनकी मांग है कि जो हमारा वेतन बढ़ाया गया था वो 2016 से उसकी अधिसूचना जारी की जाए, ना कि 2023 से जारी की जाए। और इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं वो पूरी करे सरकार। पहले सरकार के साथ वो वार्ता करने के लिए लगातार मांग कर रहे थे, अब आखिरकार जब सरकार से वार्ता होनी शुरू हुई लेकिन उस दौरान कोई हल अभी तक नहीं निकला है। जो भी बैठक हुई वो बेनतीजा रही। अब इस बार 2 फरवरी को जो बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अब उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये देखना होगा। लेकिन पटवारियों की हड़ताल से तमाम आम लोगों को सफर करना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जो पटवारियों का काम होता है, रजिस्ट्रियां रुकी हुई है, इंतकाल रुका हुआ है, जमाबंदी रुकी हुई है, इसके अलावा प्रमाण पत्र रुके हुए हैं, क्योंकि पटवारी अहम भूमिका इन सभी कामों में अदा करते हैं। तो अभी ऐसे में आम लोग तो सफर कर ही रहे हैं और उससे सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब रजिस्ट्रियां बंद होती है तो सरकार को रेवेन्यू जो आता है उससे भी नुकसान होता है। तो ऐसे में 2 फरवरी को क्या कुछ नतीजा निकलता है इस बैठक में और क्या कुछ पटवारियों पर आपस में जो मांग है उन पर सहमति बन पाती है ये देखना होगा। अब 2 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर बैठक होगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गुलशन आपका। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी 2 फरवरी को। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निष्कर्ष इसमें निकलते हैं। फिलहाल पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, 31 तारीख तक ये हड़ताल बढ़ाने की बात पटवारी कह चुके हैं।